औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसमें हम आज कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे द नेचर ऑफ मैटर के अतबार से। जे थॉमसन मेजरमेंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड द एविडेंस फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है। एविडेंस फॉर वेव नेचर ऑफ मैटर इलेक्ट्रॉन्स डायफ्रैक्शन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। Which of the following is not evidence of the wave nature of matter? Photoelectric. Which is not evidence for the wave nature of matter? Photoelectric effect. ये particle nature है. Of the following, which is the best evidence for the nature of the matter? Wave nature of matter. ठीक है ना, वो है E आपके पास है reflection of electron by the crystals. मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आर इंसीडेंट ऑन सिंगल स्लिट बैरियर इफ़ द एनर्जी ऑफ ईच इंसीडेंट इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द डायफ्रैक्शन पैटर्न नैरोस। फ्री इलेक्ट्रॉन हैज़ द मोमेंटम दिस वेवलेंथ उसमें सिंपल फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी मोमेंटम दिया हुआ उसने उसकी वैल्यू लगाएं कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द मैटर एसोसिएट विद 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी हुई है उसने इज इक्वल एच सी ओवर लैम्डा और ई इज इक्वल टू एच एफ लेकिन ये एनर्जी जूल्स में है और फिर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पर सेकंड हर्ट्स में आएगी और वेवलेंथ जो है वो मीटर्स में आएगी अगर आप यूज़ करते हैं एनर्जी जूल में और जूल में ही आप कन्वर्ट करके इस्तेमाल करनी चाहिए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ नॉन रिलेटिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन डबल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वेव फंक्शन चेंज बाई ए फैक्टर। आप वेव फंक्शन के अतबार से आपने कैलकुलेट ना ही करें क्योंकि वो वेव फंक्शंस का आइडिया उस तरह से आता नहीं है वहाँ पर। मैक्सवेल इज इक्वेशन आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एज पार्टिकल्स यानी वो श्रोडिंगर इक्वेशन जिस तरह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सवेल इक्वेशन है इस तरह वो श्रोडिंगर इक्वेशन है वेव फंक्शन के लिए। ये सारे इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन से रिलेटेड ही है।